तो क्या अब पाकिस्तान में इंडिया इंडिया की गूंज सुनाई देगी? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आईसीसी ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिससे यह उम्मीद बढ़ गई है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाकर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। अब तक की अटकलें यही थी कि भारत शायद सुरक्षा चिंताओं के कारण चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन आईसीसी के हालिया फैसले के बाद यह संभावना बढ़ गई कि भारतीय सरकार भी टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने की अनुमति दे सकती है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईसीसी का एक पैनल पाकिस्तान भेजा गया। इस पैनल ने वहां के स्टेडियम, होटल्स और सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। पैनल के जिन तीन मैदानों जैसे कि रावलपिंडी, लाहौर और कराची का निरीक्षण किया गया, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उपयुक्त पाया गया। साथ ही खिलाड़ियों के होटल से स्टेडियम तक आने जाने के मार्ग, सुरक्षा प्रबंध और अन्य सुविधाओं पर भी पूरी तरह से ध्यान दिया गया। आईसीसी के पैनल ने तैयारियों को संतोषजनक करार दिया, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के लिए बड़ी राहत की बात है। सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सभी प्रबंधों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, अब आईसीसी की रिपोर्ट्स के बाद उन पर विराम लग गया है। हालांकि हाइब्रिड मॉडल पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा और सुविधाओं के मामले में पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार पाया गया। अब सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई भारतीय सरकार से मंजूरी मिलने के बाद टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजेगी? बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया कि अंतिम फैसला भारत सरकार का होगा। अगर सरकार मंजूरी देती है तो टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। भारत ने कई बार सुरक्षा के मुद्दे को लेकर चिंता जताई। पूर्व भारतीय खिलाड़ी भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान में सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, लेकिन अब आईसीसी ने सुरक्षा प्रबंधों पर भी अपनी मोहर लगा दी है। भारतीय टीम को अलग होटल और विशेष सुरक्षा प्रदान करने की बात भी सामने आई है, ताकि उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जा सकें। अब 8 टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत की भागीदारी पूरी तरह से भारत सरकार के फैसले पर निर्भर करती है। अगर सरकार से मंजूरी मिलती है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के स्टेडियमों में इंडिया इंडिया की गूंज सुनाई देगी और भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का सपना विराट कोहली और रोहित शर्मा को पाकिस्तान में खेलते देखने का साकार हो जाएगा। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि क्या भारत सरकार बीसीसीआई को हरी झंडी देती है या नहीं।